साथ ये हमारी 28 अगस्त की कौन सा बैच है आपका? 28 अगस्त। सबसे पहले इनका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और एमएनसी का फुल कोर्स की ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है। आज क्या कंप्लीट हुआ है? सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम फ्लैशिंग की बात करें तो सभी फ्लैशिंग कर लेंगे? यस सर। अनलॉकिंग? यस सर। अगर आप आईफोन की बात करें तो? यस सर। अगर किसी भी, अगर यहाँ पे जो हमारे सैमसंग में जो एरर आते हैं, अगर जो, अच्छा एक छोटी सी बात बताइए, जो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सिखाया गया तो केवल बता के सिखाया गया कि प्रैक्टिकली सिखाया गया? आपको एक एक फोन, जो फोन चालू, फोन को डेड किया गया? यस सर। और आपके सामने चालू किया गया कि बाद में? चालू फोन को डेड किया गया, उसके बाद फिर से चालू किया गया। सारा लाइव में हुआ है कि नहीं हुआ है? चलिए मैं यहाँ पे कुछ लोगों से पूछता हूँ कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और ये चार दिन में वो क्या सीखे क्या नहीं सीखे। तो सबसे पहले आप ही खड़े हो जाइए, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? राजेश, गोरखपुर से। राजेश जी, आप हमें ये बताइए कि इससे पहले आप सॉफ्टवेयर करते थे? जी। कितने सालों से करते थे? 2-3 साल से। 3 साल का और 4 दिन का एक्सपीरियंस बताइए। 3 साल का वो, 4 दिन का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छे में क्या मतलब, आपको क्या ऐसा लगा जो हम फंस रहे थे या फिर जाम? जैसे आईफोन का हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आईफोन की फ्लैशिंग कितनी इजी? आईफोन की फ्लैशिंग कितना टफ है? बहुत ज्यादा टफ है? नहीं सर। कैसा है? बहुत इजी है सर। ये आपने लाइव देखा है? यस सर। और उसके बाद जो FRP था वो बहुत लाजवाब लगा। FRP स्पेक्ट्रम की FRP कितने सेकंड में हुए, सच बताना? 1 सेकंड। सही बात है? यस सर। ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं सर। ये आपने देखा 1 सेकंड में? यस सर। मतलब जितना इंटर दबाने में टाइम लगा है उतना ही टाइम हमें FRP हटाने में लगा। और क्या बोलना चाहेंगे जो पहले से काम कर रहे हैं उनको, अपडेट के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है। दो, ये हम लोग 3 साल में नहीं पाए, 4 दिन में पाए। 4 दिन में आपका हो गया? तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? बापी रोहित सर, झारखंड से हूँ। आप झारखंड से हैं? आप पहले से काम करते थे या नहीं करते थे? नहीं, सॉफ्टवेयर का नहीं करते। सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते थे एज अ फ्रेशर थे। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी भी फ्रेशर है आप? सर हमको लग रहा है मैं बेवकूफ था, इतना दिन से दूसरे को पैसा दे रहा था। क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहा है फ्रेशर स्टूडेंट? सर फ्रेशर को बोलना चाहेंगे कि जो यूट्यूब देख के काम कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, वो बेकार है। वो आए आपका जाके 4 दिन में पूरा सॉफ्टवेयर का कोर्स हो जाएगा, वो एकदम आराम से काम कर सकते हैं। आराम से काम कर सकते हैं। आप जो सोच के आए थे वो आपको मिला कि नहीं मिला? एकदम मिला सर, उससे डबल मिला। उससे डबल मिला है सर। थैंक यू। अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? मैं संतोष कुमार वाघा से। संतोष जी, आप हमें ये बताइए, आप इससे पहले काम करते थे या नहीं करते? सर हार्डवेयर करते थे, सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं जानते। सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अभी आपको कैसा लग रहा है कि आप सॉफ्टवेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैं कर लूंगा सर। कर लूंगा। फाइलों का नॉलेज हुआ, टूल का नॉलेज हुआ, सेटअप को कैसे चलाते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारा चीज कर लेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे एज अ फ्रेशर स्टूडेंट के लिए? जो आना चाहेगा बहुत अच्छी तरह आ सकता है। अब आप जो सोच के आए थे वो आपको मिला कि नहीं मिला? उससे डबल मिला है सर। उससे डबल मिला है। और ये आपको सारा चीज डाटा में लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया? लिखवाया गया सर। ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे, हर डे बाय डे की क्लास है यहाँ पे। ये बैनरी इधर, जो कि आपको शायद समझ में ना आए पर जब आएंगे तो बैनरी कितने मिनट आप फाइंड आउट कर सकते हैं? 1 मिनट में कर सकते हैं? यस सर। चलिए आप देख सकते हैं। चलिए हमारे साथ खड़े हो जाइए। तो आप बताइए आपका नाम और कहाँ से आप, पहले एज बताइए अपनी, क्योंकि बार बार मेंशन किया जा रहा है आपका एज का। 18 सर। 18। बार बार आप देखेंगे, जितने भी वीडियो में आप देखेंगे, यहाँ पे लाइव देखेंगे, सब में इनका एज का मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि 18 ईयर में इन्होंने ये जो फैसला लिया है बहुत आगे जाएं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट है जो काफी लॉन्ग टाइम से भी काम कर रहे हैं। तो इससे पहले आप काम करते थे सॉफ्टवेयर में? नहीं सर। नहीं करते थे? अभी आपको कैसा लग रहा है सॉफ्टवेयर में, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाता सर। कर पाएंगे? फाइलों में किया सर। कितने दिन आपने खुद किया? मैंने किया सर। अच्छा, जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, क्या मैं माउस पकड़ के चलाता हूँ कि स्टूडेंट करते हैं? स्टूडेंट करते हैं ना। एक भी दिन माउस यहाँ पे टच किया गया? नहीं सर। जो सारे आप हो गए और सारे स्टूडेंट यहाँ पे लाइव काम करते हैं। तो ओवरऑल जो आपको देख रहा है, आप कहाँ से? वैसे आंध्र प्रदेश से। उधर देखिए जो आपको देख रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे, वो सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर के लिए, एमएनसी के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। हार्डवेयर आपने जो सीखा वो प्रॉपर आपको आ रहा है अभी? यस सर। सॉफ्टवेयर जो आपने सीखा, फाइलों का नॉलेज वो सबको आ जाएगा? आ जाएगा। थैंक यू सो मच।
हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? सर गणेश कुमार सर, मैं यूपी से। यूपी से? आप हमें ये बताइए कि इससे पहले आप सॉफ्टवेयर का काम करते थे? नहीं सर, मैं तो पढ़ाई करता हूं। पढ़ाई करते थे आप, तो सडनली आपने क्या सोचा कि चलो इस फील्ड में चलते हैं? सर मैंने यूट्यूब पे देखा तो काम भी करता था एक दुकान पे। अच्छा, काम भी करते थे आप? दो चार दस दिन किया, तो उसके बाद मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं। हार्डवेयर का काम करते थे आप, सॉफ्टवेयर आप जो यहाँ पे आए कि सॉफ्टवेयर सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, तो कैसा लग रहा है अभी? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, सीखे सर। सीख पाएंगे? आपने यहाँ पे बैठ करके अपने हाथों से चलाया है? जी सर चलाया। प्रैक्टिकल करने को मिला है? जी मिला है। और आप जो फ्रेशर है तो आप क्या बोलना चाहेंगे फ्रेशर स्टूडेंट के? सर जो आना चाहे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सिखाया जाता है। सिखाया जाता? आप सीख पाए कि नहीं? जी मैं तो सीख रहा हूं। सीख पाए, चलिए थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? समीर सर, झारखंड। आप झारखंड से हैं, तो आप ये बताइए इससे पहले आप काम करते थे या नहीं करते थे? काम ओनली हार्डवेयर। ओनली हार्डवेयर करते थे, तो ऐसा लगा कि सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहिए हमें? बहुत जरूरी है सर, जरूरी है तो हार्डवेयर का कोई दाम। हमारा जो ये फील्ड है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपका हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, MCU, ये तीनों चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि एक फोन जरूरी नहीं कि वो हार्डवेयर से डेड हो, सॉफ्टवेयर से डेड हो, वो MCU से डेड हो, तो ये फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। तो अब आप एज अ फ्रेशर थे, अब आप फ्रेशर है कि अभी भी फ्रेशर? अभी फ्रेशर नहीं है। फ्रेशर नहीं है। अगर आपको किसी की अनलॉकिंग और फ्लैशिंग दे दी जाए, कर पाएंगे? कर लेंगे। फाइलों का नॉलेज कर लेंगे। अगर आपसे हम पूछें कि MediaTek में कौन सी फाइल आती है, तो बता पाएंगे आप? कौन सी आती है? स्कैटर। स्कैटर आती है। और ऐसी जितने भी CPU वाइज है, यहाँ पे कोई मॉडल वाइज या ब्रांड वाइज सिखाया गया क्या? मॉडल से तो मतलब ही नहीं है सर, CPU पहचानना। CPU, क्योंकि हर एक फोन में CPU होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम सिखाया जाता है। आप सीख पाए यहाँ पे? यस सर। चलिए थैंक यू सो मच। मेरे पास डाटा सीट ही है सर, कहीं भूल भी जाऊँ तो ये डाटा सीट मेरा 5 साल बाद भी काम दे रहा है। ये देखिए, ये डाटा आपके पास है सारा, ये सबके पास एवरीवन बनाएगा कि केवल आपको? सबको, सबको। थैंक यू, सबने अपने हाथों से बनाया। चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? गुलरेज खान, राजस्थान। गुलरेज, राजस्थान से आप इतनी दूर से आपने ज्वाइन किया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और MMC। आप सॉफ्टवेयर से काम करते थे पहले? नहीं सर, सॉफ्टवेयर से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। सॉफ्टवेयर पहले करते ही नहीं थे? अभी आपको कैसा लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है? जी सर, इससे पहले जब हम हार्डवेयर ही करते थे तो हमारे पास ऐसी बात है, सॉफ्टवेयर के भी फोन आते थे जी, लेकिन जब हम जहाँ पे करवाते तो वो जो कंप्यूटर में बहुत सी बार देखते कि फाइलें इधर से उधर उधर से, तो चक्कर आते थे जी, रियल के क्यों इतनी सारी फाइलों में पता किससे चलेगी कौन सी डालनी है, क्या डालना है। लेकिन अभी जो ट्रिक से बताया 4 दिन के अंदर, वो इतना हल्का हो गया है कि लगता है कि बिल्कुल इजी गोइंग कर सकते हो उसको। मतलब ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा? अरे सॉफ्टवेयर 4 दिन में सिखा दिए, कंप्लीट कर दिए, कुछ भी समझ में नहीं है? बहुत इजी, मतलब मुझे लगता है कि शायद तक इससे ज्यादा इजी कोई चीज नहीं हो सकती। नहीं हो सकता? ये आपको प्रैक्टिकल देखने को मिला कि बस थ्योरी बेसिस पे? नहीं, प्रैक्टिकल हुआ ना सारा, 4 दिन में प्रैक्टिकल हुआ सारा। प्रैक्टिकल हर एक फोन का ला करके यहाँ पे सारे फ्लैशिंग अनलॉकिंग सारा। सबसे बड़ी बात तो ये कि आईफोन जो सबसे महंगा फोन है उसके तो चुटकी बजते होता है, चुटकी बजते फ्लैशिंग हो जाएगी। और क्या बोलना चाहेंगे जो राजस्थान से आपको देख रहे हैं? मैं तो राजस्थान के अलावा भी जितने भी लोग जो देख रहे हैं, वो अगर रियलिटी अगर देखना चाहते हैं तो रियलिटी तो यहाँ आके ही उनको देखने को मिलेगी। वीडियो कुछ भी हो सकता है, आप अगर यहाँ आओगे तो आपको रियली में वाकई में एक रियलिटी मिलेगी। आपने जो सोचा था वो मिला कि नहीं मिला? जितना सोचा उसे बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी आपका MMC तो बचा ही बचा हुआ है, तो बचा। आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अभी किया है, अभी तो आपका पूरा MMC बचा हुआ है, तो अभी बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? दानिश, यूपी बुलंद सर। आप यूपी से हैं, तो आप में दानिश ये बताइए कि आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर पे? नहीं सर, हार्डवेयर। हार्डवेयर करते थे, सॉफ्टवेयर नहीं करते थे? तो सॉफ्टवेयर अभी आपको कैसा लग रहा है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर वन क्लिक, वन क्लिक कर पाएंगे? हो गया कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम, फ्लैश हो, अनलॉक हो, वो आप कर पाएंगे इजिली? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी सर। चलिए थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? नरेंद्र सिंह, राजस्थान से। राजस्थान से आए, तो आप हमें ये बताइए, आप इससे सॉफ्टवेयर में पहले आप काम करते थे या नहीं करते? सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं करते थे। सॉफ्टवेयर आप बिल्कुल भी नहीं करते थे? अभी आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सर सॉफ्टवेयर पूरा कर लेंगे। सॉफ्टवेयर आप कर लेंगे अगर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे काम है, पर यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है फ्लैशिंग और अनलॉकिंग का, तो फ्लैशिंग अगर किसी फोन का फ्लैश करना है तो एमए पकड़ लिया फ्लैश कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, सबसे पहले उसका CPU वाइज करेंगे, उसको CPU जानेंगे। स्टेप कितने सॉफ्टवेयर के? 5 स्टेप उसमें डन हो जाएगा, 5 रन पूरा डन हो जाएगा। ये आपने प्रैक्टिकल देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल प्रैक्टिकल, यहाँ कोचिंग में करते हैं, साथ में हॉस्टल पर जाने के बाद और करना पड़ता है, वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं आप सर। और एक चीज बताइए, अगर आपसे कुछ डाउट है तो आपके डाउट क्लियर कराए जाते हैं नहीं कराए जाते हैं? ऐसा तो नहीं कि आपको डांट दिया जाता है? नहीं सर, कोई बात नहीं होती। आपको बार बार जितनी बार आप पूछते हैं आपको उसका सलूशन मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। फ्रेशर स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे एज अ फ्रेशर स्टूडेंट? बिल्कुल आइए, सीख के जाइए, अपने लाइफ बनाइए। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, तो आप देख सकते हैं, अपना नाम और अपना बताइए। रिकुन दास, शाकरतला। बस आपसे इतना पूछा जाऊंगा कि आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में कि नहीं करते थे? नहीं करते थे। तो अभी आप फ्रेशर हो कि नहीं? अभी तो आगे
मतलब कर सकते हैं अभी कर सकते हैं फाइलों का नॉलेज जो भी ऐसा कुछ हुआ सॉफ्टवेयर में या आपने लाइव प्रैक्टिकल देखा कि नहीं देखा हाँ लाइव प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल देखा अभी आप जो सोचे थे वो आपको मिला कि नहीं मिला मिल ज़्यादा टफ तो नहीं लगा नहीं नहीं इजी लगा चलिए थैंक यू हमारे साथ एक स्टूडेंट और है क्या नाम है सलमान खान जैसा कि आप इनको हर एक वीडियो में आप देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं लाइव इनका आप हार्डवेयर देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पे लाइव आप देख रहे हो तो सलमान जी आप ये बताइए कि आप कितने सालों से काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे काम तो मैं सर 12 सालों से कर रहा हूँ 12 साल से हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर सर 5 साल से 5 साल से आप सॉफ्टवेयर कर रहे थे छोटा सा सवाल 5 दिन का एक्सपीरियंस और 4 दिन का एक्सपीरियंस तो वो पूरे 5 साल में जितना नॉलेज मिला है मेरे को इन 5 दिनों में इन 4 दिनों में आपको मिल गया यहाँ पे तो एक बात बताइए जैसे आप काम करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ नया मिला या नहीं मिला हाँ सर बिल्कुल हर चीज़ नई तो मिल रही है सर नहीं मिल रही है यहीं की खास यहाँ की खास बात वही है कि हर चीज़ नया ही मिल रहा है नया मिल रहा है और जो एज अ फ्रेशर स्टूडेंट है जैसे आप पहले से काम कर चुके हो जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा टफ है नहीं 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 सर एकदम ईजी यहाँ का जो समझाने का तरीका है वो एकदम ईजी सर ईजी है मतलब जो फ्रेशर स्टूडेंट उनको समझ में आता होगा आपके हिसाब से बिल्कुल आता है सर मैं तो रहता ही हूँ फ्रेशर के साथ में अच्छा पूरी टीम में सर फ्रेशर ही तो है फ्रेशर ही है तो उनका क्या आपको निकलता है आउटपुट कैसा बोलते हैं अच्छा आउटपुट मतलब काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं समझ जाते हैं फिर बाकी इनको जाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेहनत प्रैक्टिस तो हर एक स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं होगा तो ओवरऑल जो आप बताइए जो एक्सपीरियंस है जो काम कर रहे हैं उनको अपडेट होने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए सर और बाईपास में कुछ नया मिला बहुत कुछ नया मिला सर जो कोई सोच भी नहीं सकते थे कोई सोच भी नहीं सकता मिला कि नहीं मिला प्रैक्टिकल मिला थैंक यू सो मच तो चलिए हम इधर आते हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहाँ से हम विकास जी आप बताइए आप पहले से फील्ड में काम करते थे सॉफ्टवेयर में नहीं सॉफ्टवेयर करना नहीं आता था हार्डवेयर में मतलब चार्जिंग सॉकेट वगैरह यही सब करना चाहिए हार्डवेयर करते थे आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमसी तीनों कोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है तो अभी आपको सॉफ्टवेयर में कैसा लग रहा है कि अब आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे या बहुत टफ तरीके से पढ़ाएगा चार दिन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आदमी जो कुछ भी कर सकता है बाकी पहले सॉफ्टवेयर ये जो आप हाथ में लिए हुई क्या चीज़ है ये मतलब पूरा मतलब चार ही उम्र सॉफ्टवेयर मतलब जो है CPU वाइज उसके बाद फाइल ड्राइवर कौन सा यूज़ करना है टूल्स कौन सा यूज करना ये चीज़ का पहले जानकारी नहीं थी लेकिन यहाँ चार दिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब आप खुद से लग रहा है आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए नहीं सर एकदम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चलिए थैंक यू सो मच आइए इधर आ जाइए सर तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहाँ से आप अशरफ अली यूपी उत्तर प्रदेश अच्छा आप पहले ये बात बताइए कि आप कितने सालों से काम कर रहे थे करीबन 10 साल से 10 सालों से आप काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर भी कर रहे थे जी सर हार्डवेयर भी नहीं खाली सॉफ्टवेयर अच्छा ओनली आप सॉफ्टवेयर कर रहे थे सर तो आप हमें ये बताइए कि ये 10 साल का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस सर फ्रेशर के लिए बहुत कम समय में बहुत जानकारी मिली है बहुत कम समय में आपको कुछ नया मिला क्योंकि आप 10 सालों से काम कर रहे इस फील्ड जो पूरे इंटरनेट या तो यूट्यूब में ढूंढने से नहीं मिला वो बाईपास का तरीका हमें मिला है बाईपास का तरीका मिला है और एज अ फ्रेशर जो स्टूडेंट है उनको उनको क्या वे मिला सही वे मिला कि नहीं मिला बहुत सरल भाषा में बोलेंगे कि जो हमने 2-3 सालों में प्रॉब्लम नहीं समझी कि इसका सोल्यूशन क्या होता है उन्होंने 2 मिनट लगे होंगे अप्रॉक्स 2 मिनट बैनरी रर जो सबसे बड़ा मसला होता है अच्छा जो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा बहुत इजी वे में समझाया जाता है इजी वे नोट्स वगैरह लिखाए जाते हैं अगर कोई भी आदमी एक बार देख लेगा पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा चलिए थैंक यू सो मच चलिए आइए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहाँ से आप समझा तो उड़ीसा से उड़ीसा से हैं तो आप ये बताइए आप सॉफ्टवेयर फ्रेशर थे या सॉफ्टवेयर करते थे पहले फ्रेशर थे आप तो अभी आप फ्रेशर हो नहीं सर नहीं है आप प्रैक्टिकल करते हो सारा चीज़ आपसे प्रैक्टिकल कराया गया यहाँ पे यस सर तो जो फ्रेशर स्टूडेंट आपको देख रहा है उनको क्यों ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करें बस दो शब्द ये तो सर टीचर्स की वजह से टीचर्स की वजह से यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है आपका जो ज्ञान मिलता है सारा यहाँ पे देव सर का नॉलेज कैसा है बहुत अच्छा है यहाँ के जो हमारे हेड है MD सर उनका मैनेजमेंट कैसा है बहुत अच्छा है और बाकी के टीचर कैसे है आपको अच्छे सर ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी सेक्शन है आप किसी दूसरे टीचर से पूछ रहे हो वो मना कर देते हैं सारी हेल्प कर रहे हैं यस सर चलिए थैंक यू सो मच चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहाँ से हैं आप सर भैजाना महाराष्ट्र महाराष्ट्र से हैं आप इतनी दूर से आप चाहिए बताइए कि आपने ऐसे टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया क्या सोच के ज्वाइन किया था सर मैंने वीडियो देखा था जो स्टूडेंट के रिव्यू है उसकी वजह से जानते हैं वो काफ़ी समय से देख रहे वीडियो जी जी आपने बोला कि स्टूडेंट के रिव्यू हम देख रहे थे आज आप खुद रिव्यू दे रहे हो तो क्या ये वो रिव्यू फेक था कि ये वाला रिव्यू फेक है नहीं वो भी फेक नहीं है और ये भी फेक नहीं ये भी फेक नहीं है तो हम हार्डवेयर का तो आपका रिव्यू डला है आप चैनल में जाकर के ऐसे टेलीकॉम में देख सकते हैं आप यहाँ पे बताइए सॉफ्टवेयर की क्लास 4 दिन की कैसे रही आपको आपको समझ में आई बहुत बढ़िया सर जो पिछले जो सॉफ्टवेयर कर रहे कई सालों से अगर उनसे पूछे तो बोलते हैं कि तुम्हारे तो बहुत 4 दिन में काफ़ी सारा मिल रहा है
पर मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि चार दिन में कोई भी नहीं सिखाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, जो नोट्स है वो पढ़ना पड़ेगा तो हम काफी ज्यादा आगे जा पाएंगे, काफी ज्यादा आगे जा पाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब प्रैक्टिस, मेक प्रैक्टिस योर सक्सेसफुल, आप वहाँ पे सक्सेस बन जाएंगे, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, बैठ जाइए बैठ जाइए। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से आप? मोहन है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आप भी हैं, तो पास पास में रहते हैं? नहीं यार, बहुत डिस्टेंस है। अच्छा, डिस्टेंस है आपके बीच में, तो आप ही बताइए, पहले काम करते थे या नहीं करते? करता था सर। पहले आप काम करते थे? कितने सालों से काम कर रहे हैं? लगभग 8 साल से काम कर। तो वही सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि ये 8 साल में, 8 साल का एक्सपीरियंस और 4 दिन का एक्सपीरियंस। सर, 4 दिन के एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैं आज तक 4 साल में एक 4-5 हैंडसेट सैमसंग का बना चुका हूँ। जी जी, 4-5 सालों में 4-5 हैंडसेट। वही दिक्कत आ रही थी कि बाइनरी फाइल क्या होती है, वो कैसे सिलेक्ट करना है वगैरह वगैरह, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो अभी मैं वो परफेक्ट सीख गया कि ये कहाँ से सिलेक्ट करना है, कैसा सिलेक्ट करना है, प्रॉपर फाइल कैसे सिलेक्ट करें। अब 4 साल के बाद कितने फ़ोन फ्लैश करेंगे आप? बहुत सर, जितने आएंगे उतने उतने करेंगे आप। मतलब वो जो 8 सालों से आप काम कर रहे थे, आपने बोला सैमसंग में हम ज्यादातर फंसते थे, ज्यादातर जो उसकी सबसे फंसते हैं, सभी फंसते हैं। एक फोन को फ्लैश करने के लिए 10-15 फाइल डाउनलोड करना पड़ता था, अभी कितनी फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा? अभी सर एक ही फाइल डाउनलोड करेंगे, एक फाइल डाउनलोड करेंगे और हमारा फ्लैश हो जाएगा उससे 100%। चलिए, वो वीडियो भी अपलोड करेंगे हमारे ग्रुप में, जब इनका वीडियो आएगा तो हम ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि इन्होंने 1 टाइम में किया है कि नहीं किया। और जो काम कर रहे हैं उनको आना चाहिए अपडेट होने के लिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सर आना चाहिए। अगर जो बंदा यहाँ पे डायरेक्ट एमएमसी करता है तो क्या वो डायरेक्ट, अच्छा जो फाइलों का नॉलेज था, मैं आपसे अगर पूछूं तो ये क्या इतनी जो फाइलों का नॉलेज दी गई है, आपको पहले नॉलेज था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कौन सी फाइल क्या काम करती है, क्या होता है, आप काम करते थे खाली? मतलब ये मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो ये यूट्यूब से देखकर कॉपी पेस्ट का मसला था आज तक जी। वहाँ से जो देखा उतना ही, जो जहाँ से बताया जाए उतना ही यहाँ पे हम करते थे जी। अगर कोई दिक्कत आ जाती तो वहाँ तक वो काम सीमित हो जाता था, उसके बाद छोड़ दो काम, ऐसे समझ। ऐसा अब कोई काम छोड़ेंगे आप? बिल्कुल नहीं सर। ये आप दिल से बोल रहे हो कि ऐसा बोलने के लिए बोला जा रहा है? बहुत सारा पूरा कॉन्फिडेंस के लिए सर मैं बोलूंगा कि मैं अभी बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। ऐसा बहुत आगे बढ़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, चलिए अपना नाम और कहाँ से आप? मैं बिहार से, जितेंद्र। बिहार से हैं आप, तो आप बताइए आप इससे पहले काम करते थे या नहीं करते थे? नहीं करते थे। अभी आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जी हाँ, कर पाएंगे। आपका ऐसे टेलीकॉम का जो डिसीजन था वो सही साबित हुआ या नहीं हुआ? सही साबित हुआ। ये आप दिल से बोल रहे हो? यस सर। और ये जो नोट्स बने इसकी कितनी वैल्यू है? ये सर 4 दिन का, एक ही दिन में हो गया सर। एक ही दिन में हो गया? यस सर। बस मेहनत करनी है, मैं भी आपको ये बोलूंगा, थैंक यू सो मच। अब ये लास्ट, सभी लोग बैठ जाइए। अभी हमारे पास लास्ट स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है आप? महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से आसपास की? दूर दूर से? सर सब दूर। सब दूर दूर से? तो आप बताइए कितने सालों से काम कर रहे थे या नहीं कर रहे? 5-6 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आपसे भी एक ही सवाल कि 5 साल का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस? 4 दिन में सीखा, 5 साल में नहीं सीख पाया। 4 दिन में आपने सीख पाया था, मतलब आपको 5 साल लगे थे और यहाँ पे 4 दिन में वही पहले मिल जाता था, और कहाँ से आगे रहते? अच्छा, दूसरी चीज आपसे पूछो, कुछ नया मिला यहाँ पे आपको? हाँ सर, बहुत कुछ नया मिला, हर बार नया मिला। पहली बार तो मालूम पड़ा क्या कौन सी फाइल है, किस क्लियर काम करती है, और जो फाइलों के अंदर जो हम सेलेक्ट करते हैं तो क्यों सेलेक्ट करते हैं, प्रीलोडर की फाइल क्या काम करती है, हमारा बूटिंग की फाइल क्या होती है, ये सारा चीज पहले पता था आपको? नहीं सर, पता नहीं। पता सर, यहाँ की कैसे फाइलों का नॉलेज होता है, टूल कौन सा यूज करना है, ये सारा आपको मिला? फ्रेशर स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप 5 साल से काम कर रहे हैं, तो जो आपको फ्रेशर स्टूडेंट देख रहा है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलना चाहते? तो सर फ्रेशर स्टूडेंट आने चाहिए, तो उनको प्रॉपर वे में समझ में आएगा? बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा, समझ में आया। चलिए थैंक यू सो मच। अब एक साथ लास्ट में एक बार सभी लोग अपने नोट्स ऊपर दिखा दीजिएगा, सभी लोग बैठो। कहाँ जा रहे हो? ये लीजिए, अभी ये मैं एक लास्ट आपके सामने सबको दिखाएंगे, यहाँ पे सभी लोग अपने नोट्स थोड़ा दिखा दीजिए तो, और जहां जहां से है वहां तक एक आवाज जानी चाहिए। कहाँ से? महाराज से है ना, वहां तक थोड़ी सी तो आवाज जानी चाहिए। बगल में है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे नोट्स, कितनी वैल्यू इस नोट्स की? बहुत बढ़िया है। यस सर, इंडिया के नंबर वन स्वीट कौन है? यस सर, थैंक यू, थैंक यू।